नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली क्लासें आपको मिलती रहें। ज़्यादा समय ना गवाकर जैसा कि आप देख रहे होंगे, सामने आपके आज का टॉपिक रहेगा हमारा यूपीएसआई 2021 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में कुछ बातें करूँगा, सिर्फ सूर्य के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे कि ये आपका जो सूर्य है और ये सभी हमारे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कई बार यहाँ से अगर हम देखें कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और नए नए प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सारे पैनल पर बाद में बात कर सबसे पहले मैं सूर्य के बारे में कुछ बातें ऐसी करूँगा जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाएंगी। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सूर्य जो है इसे सौर मंडल का जनक कहा जाता है। कई बार अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि द फादर ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा, तो फादर ऑफ सोलर सिस्टम जो है वो सूर्य है, सन। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो सूर्य है इसको सौर मंडल का जनक कहा जाता है। सूर्य क्या है? अगर हम सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य एक तारा है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। और कई बार एग्जाम में कितना बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बन सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सूर्य का व्यास कितना होता है। तो याद रखें, सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सूर्य का व्यास कितना होता है, तो अगर हम सूर्य के व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर होता है। चूंकि आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो व्यास है 12756 है, जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास है, और पृथ्वी से सूर्य लगभग 110 गुना बड़ा भी है, तो सीधी सी बात है 14 लाख किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अगर कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न हो जाए कि सूर्य के केंद्र का व्यास कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के केंद्र का व्यास 3.5 भी कह सकते हैं, 3.5 लाख किलोमीटर होता है। तो ये सूर्य के केंद्र का व्यास है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का व्यास कितना होता है, तो याद रखिएगा, सूर्य का व्यास 14 लाख किलोमीटर होता है। जबकि अगर पूछा जाता है कि सूर्य के केंद्र का व्यास कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का व्यास 3.5 लाख किलोमीटर होता है, जो आपको याद रखना है। सूर्य अगर हम देखें तो सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हो सकता है जैसा कि आप सब जानते हो, सूर्य में मुख्य रूप से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 70% हाइड्रोजन, सूर्य में 70% हाइड्रोजन पाई जाती है। जबकि अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम की बात करें तो 28% हीलियम पाई जाती है सूर्य में, हाइड्रोजन 70% और 28% हीलियम, और लगभग ये मान के चलिए कि 2% अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न एग्जाम में हो सकता है कि वो पूछ लें, वो ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि 70% है, चूंकि उसका हिस्सा ज़्यादा है, और हीलियम दूसरी मुख्यतः गैस जो पाई जाती है सूर्य में वो है हीलियम 28%। कई बार परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है, नाभिक के संलयन के कारण। ये बात भी याद रखनी है, चूंकि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित होती रहती है,
ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, और इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक, अगर सूर्य से कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये बात बताइए कि सूर्य का झुकाव कितना है, जैसा कि आप सब जानते होंगे जिस प्रकार पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, ठीक उसी प्रकार सूर्य का झुकाव 7 डिग्री है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेंगे सूर्य का झुकाव जो है अपने अक्ष पर 7 डिग्री है। सूर्य पश्चिम से पूर्व दिशा में ही गति करता है, ये बात याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है सूर्य किस दिशा में गति करता है, तो सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में ही गति करता है, ये बात हमें याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सूर्य देखिए, अगर एग्जाम में आप जानते होंगे कि हमारे जो आकाश गंगा है लगभग 24 आकाश गंगाएं हैं, लगभग 24 आकाश गंगा है, और उस आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा ऐसी है जहां पर हमारा पूरा सौरमंडल स्थित है। क्लियर, जो आकाश गंगा है उसमें एक आकाश गंगा ऐसी है जहां हमारा पूरा सौर मंडल स्थित है, और उस आकाश गंगा को हम मंदाकिनी कहते हैं। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि किस आकाश गंगा में सौर मंडल स्थित है, तो याद रखेंगे मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाश गंगा में सौर मंडल स्थित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ध्यान करके याद रखें, क्योंकि लगभग लगभग ये मान के चलिए समथिंग 24 आकाश गंगा है, और उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा ऐसी जिसमें हमारा पूरा सौर मंडल स्थित है, ये वाला पूरा सौर मंडल सौर पैनल जो सिस्टम है ये वहां पर है, और एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह आकाश गंगा कौन सी है जहां हमारा सौरमंडल स्थित है, तो वह मंदाकिनी है। मंदाकिनी जिस जिस आकाश गंगा में सौरमंडल स्थित है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस आकाश गंगा का चक्कर लगाता है सूर्य। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य आकाश गंगा का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो याद रखिएगा सूर्य आकाश गंगा या कह सकते हैं सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर तो 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य आकाश गंगा का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो सूर्य आकाश गंगा का चक्कर या कह सकते हैं चूंकि उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, तो उस आकाश गंगा का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम सूर्य से पृथ्वी के बारे में अगर कुछ बात कर लें, चूंकि हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। यहां आप देखेंगे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ग्रह है, और आप देखेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में इस पूरे सोलर पैनल में अगर आप देखें सिस्टम में, तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है पृथ्वी। कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी जो होती है नॉर्मली 149 मिलियन किलोमीटर होती है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर होती है, लगभग ये मान के चलिए 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम गुने की बात करें बड़े की, तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है, तो हमेशा याद रखें पृथ्वी से सूर्य 110 गुना बड़ा है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो सूर्य का व्यास है वो 14 लाख किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, ये बात आप जानते होंगे।
जैसा कि मैंने अभी बताया कि सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। सूर्य और मंदाकिनी के बीच की दूरी अगर एग्जाम में पूछी जा सकती है कि मंदाकिनी के केंद्र से, मतलब जो मंदाकिनी का सेंटर है उसके केंद्र से सूर्य की दूरी, जहां सूर्य स्थित है, ध्यान से सुनिए, जो हमारा मंदाकिनी है जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं, तो उस आकाशगंगा के केंद्र से, मतलब कि उस आकाशगंगा का अगर हम केंद्र मान लें यहां पर, उस आकाशगंगा का केंद्र अगर हम यहां मान लेते हैं, तो इस आकाशगंगा के केंद्र से ये जो केंद्र है इससे सूर्य के बीच की दूरी, या इसे दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी कह सकते हैं कि मंदाकिनी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। तो इसे आप नोट करेंगे, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य के बीच की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, 32,000 प्रकाश वर्ष। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि लंबी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष। इस बात को लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जो बड़ी दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से याद रखें कि ये जो मंदाकिनी है ये एक आकाशगंगा है, और इस आकाशगंगा में ही हमारा पूरा सौरमंडल स्थित है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो चुकी है कि मंदाकिनी जो आकाशगंगा में है उसी में आपका सूर्य है, और उसी में हमारे सारे ग्रह हैं। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो ग्रह है वो किस आकाशगंगा में स्थित है। तो जिस स्टूडेंट को ये बात मालूम है कि पूरा मंदाकिनी जो आकाशगंगा है उसमें सारा सौरमंडल स्थित है, तो हम बहुत आसानी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि पृथ्वी जो ग्रह है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। तो मंदाकिनी के केंद्र से और सूर्य की जो दूरी है वो 32,000 प्रकाश वर्ष है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रकाश वर्ष लंबी दूरी के लिए मापा जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना के होता है, तो हमेशा याद रखिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 95 लाख खरब किलोमीटर होता है। ध्यान से सुनिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 95 लाख खरब। तो ये चीज आप याद रख सके, अब इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य और मंदाकिनी के केंद्र से लेकर सूर्य के बीच की दूरी कितनी ज्यादा है। वही हम अगर सूर्य के तापमान की बात करें, तो देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का तापमान कितना होता है, तो जनरली सूर्य का तापमान आप याद रखेंगे, जनरली सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसा कि आपको याद रखना है। जनरली सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर स्पेशल ये कह के आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूर्य का वह स्थान जहां हल्के काले धब्बे पाए जाते हैं, ध्यान से सुनिए, सूर्य का वह स्थान जहां हल्के काले धब्बे पाए जाते हैं वहां सूर्य का तापमान कितना होता है, तो याद रखेंगे वहां सूर्य का तापमान 4,500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ कितना तापमान होता है। तो दोनों प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, सूर्य का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जहां सूर्य के हल्के हल्के काले धब्बे होते हैं, मान के चलिए कहीं कहीं हल्के काले धब्बे हैं, तो वहां तापमान कितना होता है, 4,500 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार एग्जाम में थर्ड जो पॉइंट निकल कर आ सकता है सामने, ये भी आ सकता है कि जो सूर्य का तापमान है और सौर कलंक का तापमान के बीच कितने का अंतर होता है। तो याद रखेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि दोनों के बीच में 1,500 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। कई बार तीसरा पॉइंट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, और पूछा किस प्रकार जाएगा कि सूर्य के सामान्य तापमान तथा सौर कलंक, जहां सूर्य पर धब्बे हैं काले,
उसके मध्य के अंतर, दोनों का अंतर तापमान, मतलब दोनों के बीच में कितने तापमान का अंतर होता है, तो आप याद रखेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? और आप जानते होंगे इसी को सन स्पॉट भी कहा जाता है, मतलब कि सूर्य पर जहां काले काले धब्बे पाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, यहां से दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस प्रकार देख लें कि कुछ तो काले गहरे धब्बे पाए जाते हैं सूर्य में, कुछ काले गहरे धब्बे मान लेते हैं, कुछ बहुत हल्के धब्बे होते हैं। ठीक है, तो ये जो काले धब्बे होते हैं इसको सौर कलंक कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में इसे सन स्पॉट कहा जाता है। यहां से कुछ एक बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो काले धब्बे होते हैं कुछ एक हल्के होते हैं कुछ गहरे होते हैं, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूर्य पर जो धब्बे होते हैं जो कुछ अधिक काले होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अम्ब्रा कहा जाता है। ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट के वीडियो को ध्यान से सुनिए, और अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सूर्य पर दो प्रकार के, जैसा कि मैंने आपको बताया, धब्बे होते हैं, एक तो गहरा काला होता है एक हल्का काला होता है। अगर हम ध्यान से देखें, तो जहां कुछ गहरे काले होते हैं, कुछ अधिक काले वाले धब्बे को क्या कहा जाता है, तो अधिक काले वाले धब्बे को अम्ब्रा और कम काले वाले धब्बे को पेनम्ब्रा कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सन स्पॉट में जो धब्बे होते हैं या सौर कलंक में जो धब्बे होते हैं, जहां गहरे काले धब्बे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो गहरे काले धब्बे को अम्ब्रा तथा कम काले धब्बे को पेनम्ब्रा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जैसा कि आप सब जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो जान लें, सूर्य से दो प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। एक तो अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको हम पराबैंगनी किरणें का कहते हैं, तथा दूसरी आपकी एक अवरक्त किरणें, जिसको हम इंफ्रारेड किरणें कहा जाता है। इन ये जो किरणें निकलती हैं, आप इनको भी बेहतर वे में याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में से ये पूछ लिया जाए कि सूर्य से निकलने वाली दो प्रमुख अदृश्य किरणें कौन सी है, तो आप याद रखें पराबैंगनी किरणें, जिनको अंग्रेजी में अल्ट्रा वायलेट रे कहा जाता है, दूसरा अवरक्त किरणें, जिसको अंग्रेजी में इंफ्रारेड किरणें कहा जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, चूंकि बात सूर्य की आ रही है तो हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। पृथ्वी जो है, जब जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसके कारण हमारा साल होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, तो एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक चली जाती है। इसका मुख्य कारण, एक समय ऐसा आता है जो पृथ्वी सूर्य के नजदीक चली जाती है, और चक्कर लगाते समय एक वक्त ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। इसका प्रमुख कारण है पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्षा, इलिप्टिकल ऑर्बिट। चूंकि अंडाकार होने के कारण एक समय ऐसा आता है कि जब दूर चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब पास आ जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? दूसरा, पास आना और दूर जाना। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई अगर सूर्य के पास पृथ्वी आ जाती है तो गर्मी पड़नी चाहिए, और सूर्य से अगर दूर चली जाती है तो सर्दी पड़नी चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चूंकि आप देखते होंगे 3 जनवरी, जब यह वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी ये वह स्थिति है जब पृथ्वी
सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, मतलब कि पास दूरी पर होती है, सबसे पास 147 मिलियन किलोमीटर। तो जब अगर पास होती है तो 3 जनवरी को गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे भारत में उस समय सर्दी पड़ रही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है मेरे दोस्तों कि ये जो सूर्य की किरणें हैं इनका पृथ्वी पर लंबवत पड़ना, इसका मुख्य कारण ये है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया क्लास में, कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसके कारण 3 जनवरी के समय वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही होती हैं। और हम इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं उसी गोलार्ध में गर्मी अधिक होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय अगर लंबवत पड़ रही है तो 3 जनवरी, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जब दक्षिणी गोलार्ध में जो लंबवत पड़ रही है तो गर्मी का असर दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए भारत में सर्दी पड़ रही होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल याद रखें कि सूर्य के अगर पृथ्वी नजदीक आ जाती है तो ये बिल्कुल नहीं है कि वहां गर्मी पड़ेगी, चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और 23.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण ही जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर लंबवत पड़ती हैं। तो लंबवत जिस स्थान पर लंबवत पड़ती हैं उस क्षेत्र में पृथ्वी के गर्मी रहती है, और जिस स्थान पर लंबवत नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं कह सकते हैं, तो वहां क्या होती है, वहां अपेक्षाकृत ठंड रहती है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीलियोथेरेपी क्या है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं भी आपको थेरेपी लिखा चमक जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की चिकित्सा होती है। तो सीधे शब्दों में याद रखेंगे, सीधे वे में, कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो सन लाइट है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो रोगों की चिकित्सा की जाती है या लोगों के रोगों को दूर किया जाता है उसको ही हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि हीलियोथेरेपी क्या है। अगर हम उसकी बात करें, आप जानते होंगे कई बार एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन सूर्य से आ जाता है कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है, डायमंड रिंग की घटना क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि रिंग का मतलब होता है गोल आकार का छल्ला, तो उस स्थिति की घटना कब होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो डायमंड रिंग की घटना है ये सूर्य ग्रहण के दिन होती है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के ही दिन होता है। तो कभी एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमंड रिंग की घटना किस दिन होती है, ए अमावस्या, बी पूर्णिमा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखें अमावस्या के दिन, चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो सीधा याद रखें कि चूंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है तो सूर्य ग्रहण के दिन ही डायमंड, सूर्य ग्रहण के कारण ही डायमंड रिंग की घटना होती है। तो वो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब ये डायमंड रिंग क्या है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए सूर्य पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाते समय एक दूसरे का एक स्थिति ऐसी बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी से चंद्रमा सूर्य को देखने पर चंद्रमा का सूर्य का कुछ ही भाग दिखाई देता है। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी से सूर्य को देखने पर, पृथ्वी से सूर्य को देखने पर सूर्य का कुछ ही भाग दिखाई देता है। चूंकि चंद्रमा बीच में आ चुका है तो ये जो इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये ढक जाता है। तो आप देखेंगे ये कोने कोने वाला हिस्सा चमकता है पृथ्वी से देखने पर।
और ये जो चमकता है ये कुछ बल्ब के आकार में, एक रिंग के आकार में चमकता है, तो उसे ही हम डायमंड रिंग की घटना कहते हैं, या इस घटना को हम डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। अब चूंकि इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन होता है, इसका मतलब डायमंड रिंग की घटना भी अमावस्या के दिन ही होती है। क्लियर? अगर उसके बाद हम एक बात करें, कई बार एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, चूंकि ये स्थिति तब बनती है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये स्थिति कब बनती है ग्रहण की? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। और हमेशा याद रखिए, जब तीनों एक सीध में होते हैं, इस प्रोसेस को या इस जो ये जो स्थिति है इसको युति व्युति बिंदु भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है जो आप याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह स्थिति जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को युति व्युति बिंदु कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। और ये जो मैंने बताया कि डायमंड रिंग की घटना, डायमंड रिंग की घटना के समय जो सूर्य का बल्ब जैसा आकार दिखाई देता है, या वो बल्ब जैसा जो उसका जो रिंग का आकार जैसा जो दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? तो उस भाग को किरीट या कोरोना कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न बनेगा और पूछा जाएगा कि डायमंड रिंग की घटना के समय सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है या सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको किरीट या कोरोना कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम और बात करें तो सभी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये बात आप सब जानते होंगे। लेकिन इस बात को याद, हमेशा याद रखना है कि जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक नजदीक होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ बुध सबसे अधिक नजदीक है, तो बुध की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। उसका मुख्य कारण ये है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका आकर्षण बल भी ज्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसकी आकर्षण शक्ति भी ज्यादा होती है। तो एक तो ये फर्क पड़ जाता है। दूसरा, अब आप देखेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तो हालांकि जिसका द्रव्यमान कम होता है उसमें भी आकर्षण शक्ति होती है, लेकिन कम होती है। लेकिन जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, क्योंकि यहां हम देखेंगे सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है, और जब यहां सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है तो एक जो आकर्षण बल है जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल, या इंग्लिश में कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, या फिर जिसको कह देते हैं, इस आकर्षण बल को ही हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो सूर्य अपनी तरफ एक बल लगाता है जिसका नाम है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक नजदीक होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, और जो ग्रह सूर्य से जितने अधिक दूर होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि जो ग्रह सूर्य के नजदीक होता है वो उतनी ही जल्दी चक्कर लगाता है सूर्य का, और जो ग्रह जितने दूर होता है वो उतने ही अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला, सूर्य के द्वारा आकर्षण शक्ति, वही आकर्षण बल जिसको हम अभिकेंद्र बल कहते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि उसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है, तो अभिकेंद्र बल के कारण ये खींचता है। कुछ इसकी कक्षा छोटी है क्योंकि पास में है, तो इसीलिए कक्षा छोटी है, तो इसीलिए सबसे कम समय चक्कर लगाने में ये लेता है 88 दिन, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। और सबसे दूर वाला, चूंकि वो दूर हो चुका है
और दूर होने के कारण एक उसकी ऑर्बिट भी बड़ी है, एक इसकी ऑर्बिट ज्यादा बड़ी हो चुकी है। दूसरा, सूर्य से अधिक दूर होने के कारण सूर्य उस पर उतना आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा कि जितना वो पास वाले पर लगा पाएगा। तो इसी कारण जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक नजदीक होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, और जो ग्रह सूर्य से जितने अधिक दूर होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही कम होगी। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि जो ग्रह सूर्य से जितने अधिक नजदीक होगा उसकी ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपके सामने। ए, गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बी, गतिज ऊर्जा कम होगी, सी, दोनों होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखिए, जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक नजदीक होगा उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि एक फोर्स कार्य कर रहा है। चूंकि सूर्य का द्रव्यमान ज्यादा है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है आकर्षण शक्ति भी उसकी ज्यादा होती है। तो यहां पर एक बल फोर्स लगा रहा है सूर्य, जिसका नाम है विकेंद्र बल, और उसकी दिशा सदैव केंद्र की तरफ होती है, और उस आकर्षण बल का नाम है विकेंद्र बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यही कारण है कुछ वो फोर्स भी लगा रहा है, कुछ इसकी कक्षा छोटी है। तो इसी कारण बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, 88 दिन। तो ये सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।